नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते करते अब प्रधानमंत्री की मां का मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं। हम आपको बता दें कि गोपाल इटालिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय माँ का मजाक उड़ाते सुने जा सकते हैं। चलती कार में बनाए गए इस वीडियो में इटालिया को प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते और उनकी मां का मजाक उड़ाते हुए सुना जा सकता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि आप पार्टी के नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय माँ का अपमान इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात और गुजरातियों ने ये संकल्प लिया है कि आप पार्टी को आगामी चुनाव में ध्वस्त करेंगे। केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि उनके गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे, और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैंने जितना गुजरात और गुजरातियों को अपने जीवन में समझा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूं। राजनीतिक हार। गुजरात में आम आदमी पार्टी का यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है। आपने प्रधान सेवक की मां का अपमान नहीं किया, आपने गुजरात की एक 100 वर्षीय महिला का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी राजनीतिक मंशाओं को पूर्ण होने नहीं दे रहा। मैं अरविंद केजरीवाल जी से साफ आज कहना चाहती हूं, शब्द कम पड़ते हैं आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, लेकिन गुजरात और गुजराती आम आदमी पार्टी को न्याय दिलाएगा और आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी, ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है। जानबूझकर कहे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि बिना अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन, अरविंद केजरीवाल द्वारा सौंपा गया दायित्व, इसके बिना एक शब्द नहीं बोलता। तो आपको भले ही ये शब्द गुजरात के आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लगते हों, आदेश लेकिन अरविंद केजरीवाल का है। क्या ये पहली बार है कि गुजरात के इस आम आदमी पार्टी के नेता ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है? हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू महिलाएं, मंदिर, इस हर विषय पर टिप्पणी की गई है अमर्यादित। क्या अरविंद केजरीवाल नहीं जानते कि किस प्रकार का बयान उनके नेता कर रहे हैं? ये जानते हुए अरविंद केजरीवाल के इंस्ट्रक्शन पर नरेंद्र मोदी जी की माताजी पर इस प्रकार से अभद्र प्रहार हुआ है। शब्द आम आदमी पार्टी के एक नेता के भले ही हों, आदेश अरविंद केजरीवाल का है। अपने लिए राजनीतिक किसी ना किसी प्रकार से लाइमलाइट में रहने के लिए आपको भले ही लगता हो इस प्रकार के वाक्य कहे गए हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप अपनी पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए इस हद तक गिर सकते हैं? तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है मात्र, ये अंदर का चरित्र का प्रमाण है, द्वेष का प्रमाण है। मेरा प्रश्न ही उठता है, उस 100 साल की महिला ने क्या पाप किया?
उस 100 साल की महिला का राजनीति से क्या सरोकार? आपको हमला करना है, हिम्मत है तो आप सिर्फ पॉलिटिकल जो लोग हैं उन पे हमला कीजिए ना। एक 100 साल की मां के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। और दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल के आदेश पर यह हुआ है, वरना कोई भी व्यक्ति, यहां जितने लोग खड़े हैं, आपका चाहे कोई भी प्रतिद्वंदी हो, आप किसी की मां को इस प्रकार से गाली देंगे? ये राजनीतिक विवशता नहीं है, ये चरित्र का प्रमाण है। और क्योंकि इस प्रकार का चरित्र है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के इस प्रकार के आदेशों को स्वीकार किया जाता है। आप मुझे बताएं, हीरा बा का राजनीति से क्या लेना देना है? आप मुझे बताएं, कब नरेंद्र भाई ने अपनी जाति के आधार पर इस देश में राजनीति की हो? आप मुझे बताएं, आप स्वयं एक कामकाजी महिला हैं, यहां पर कामकाजी पुरुष उपस्थित हैं, आपके भी कोई प्रतिद्वंदी होंगे कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में। ये कैसे हमें स्वीकार हो सकता है कि एक 100 साल की वृद्ध महिला पर इस प्रकार की टिप्पणी हो? हिम्मत है अरविंद केजरीवाल में तो आकर गुजरात की धरती पर एक बार गाली बक कर देखे नरेंद्र मोदी की मां को। आज चुनौती देती हूं, खुद को कृष्ण का अवतार कहते हैं, कृष्ण का स्वरूप क्या है? वृद्ध महिला पर लांछन लगाना, अभद्र टिप्पणी करना? मैं दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो गुजरात की धरती पर आकर दोबारा अपने मुंह से यह शब्द कहकर दिखाएं। इसका जाति से कोई सरोकार नहीं है, कोई जाति कोई धर्म इस देश में किसी की मां का अपमान का निर्देश नहीं देता। आप मुझे दिखाइए किस जाति में किस धर्म में यह आदेश है। 100 साल की औरत को नहीं बख्शा अरविंद केजरीवाल ने? हिम्मत है तो आकर दिखाएं और बोले वहां पर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजनीतिक प्रॉफिट क्या इतनी बड़ी बला है? सारी मर्यादाएं त्याग दोगे? और अरविंद केजरीवाल से जुड़े लोगों से कहना चाहती हूं कि जो व्यक्ति इस बात का आदेश दे कि 100 साल की औरत पर आप अटैक करो, आपको लगता है ऐसे नेतृत्व की छाया में बाकी महिलाएं सुरक्षित हैं और सम्मानित होंगी? देयर विल बी प्यूनिटिव इलेक्टोरल एक्शन बाय द पीपल ऑफ गुजरात। दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो दूसरों से क्या बुलवाते हो? छुपना बंद करें शब्दों के पीछे अरविंद केजरीवाल। आइए अब आपको दिखाते हैं गोपाल इटालिया का वो बयान जिसने गुजरात की राजनीति में तूफान ला दिया है, क्योंकि बात सिर्फ प्रधानमंत्री पर राजनीतिक हमले की नहीं है बल्कि 100 वर्षीय वृद्ध महिला के अपमान की भी है। नीच नरेंद्र मोदी ની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? નીચ કિસમનો માણસ એનો ખર્ચો માંગો? અને હીરા બાવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 એ પહોંચવા આવશે તોય મારા બેટા બેમાંથી એકે નાટકો બંધ કરતા નથી। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।